आपके पास ओप्पो A3X है, A3 Pro है, कोई भी फ़ोन है, तो यहाँ पे आप फ़ोन की लैंग्वेज चेंज कैसे कर सकते हैं? तो लैंग्वेज या रीजन चेंज करने के लिए आप सेटिंग पे जाएंगे, इस टाइप से ऑप्शन आएगा, स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे आपको एडिशनल सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लैंग्वेज एंड रीजन का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में ये ऑलरेडी फ़ोन चल रहा है, तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आ जाएंगी, आपको जिस लैंग्वेज में फ़ोन करना है उसके सामने प्लस पे क्लिक कर देंगे, येस कर देंगे, तो आपका फ़ोन उसी लैंग्वेज में हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये लैंग्वेजेस समझ नहीं आ रही ना, तो जिस लैंग्वेज में आप करेंगे उस इंग्लिश या फिर हिंदी, तो उसके नीचे लिखा आ जाएगा कि कौन सी लैंग्वेज है, ये फ्रेंच है, गैलिशियन है, क्रोशियाई है, इंडोनेशियाई है, बहुत सारी लैंग्वेज है, जर्मन वगैरह सब है। ऐसे करके आप कर लेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट लिखा होगा ना वही फ़ोन आपका, मतलब उसी लैंग्वेज में फ़ोन चलेगा। बाकी आप इस पर क्लिक करके ऐसे करके लैंग्वेज को शिफ्ट कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो होगी लैंग्वेज की बात, तो यहाँ लैंग्वेज रिमूव करने के लिए एडिट पे जाएंगे, लैंग्वेज को रिमूव कर देंगे, बैक कर लेंगे, तो जो लैंग्वेज एक बचेगी उसी में फ़ोन चलता है। यहाँ से आप रीजन चेंज कर सकते हैं, अगर कहीं और कंट्री से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे वो कंट्री चेंज कर लेंगे अपना रीजन। बाकी यहाँ पे ऐप लैंग्वेज होती है, तो यहाँ पे आपको सिस्टम से रिलेटेड, मतलब गूगल के से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशन है उसकी लैंग्वेज को आप चेंज कर सकते हो। जैसे गूगल मीट को आप चेंज करना चाहते हैं, काफ़ी लोग क्लासेस वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लैंग्वेज को चेंज कर दूँगी, तो गूगल मीट मेरा हिंदी में खुलेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप और भी लैंग्वेजेस को चेंज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।